हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर अपने चैनल पर स्वागत करना चाहूंगा। चलिए आज हम यहाँ पर जो एडीपीओ का एग्जाम होने वाला और डीएलओ का एग्जाम होने वाला है उसके रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट हैं, उनके हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 और इससे रिलेटेड हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। हाँ, इस एक्ट के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी अपलोड करने वाला हूँ, जल्दी आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, ये सब लोगों ने पढ़ा होगा। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इधर उधर से जो कलेक्शन किए हैं वो मैं आपको यहाँ पे शो करना चाहूंगा। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पर एक बार नजर डालिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, अधिनियम कब प्रभाव में आया? इसमें एक ऑप्शन है 14 नवंबर 1985, बी 1 दिसंबर 1985, और सी 15 जुलाई 1985, और डी 16 अक्टूबर 1985। ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर टू पर एक बार नजर डालिए, सभी को शो हो रहा है ना प्रॉपर में? ओके, चलिए जरा नजर डालिए जी। मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 लागू है संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, सी भारत के बाहर रहने वाले भारत के नागरिकों पर, और डी भारत में रजिस्ट्रीकृत जहाजों वायुयानों के सभी व्यक्तियों पर चाहे वे जहां रहें, और डी उपर्युक्त सभी। ये बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए, क्वेश्चन नंबर थ्री, मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा? होगा, लागू होगा सभी जगह। उसमें सेकंड ऑप्शन दिया है जम्मू कश्मीर को छोड़कर, और आपने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, सुनिए एक मिनट, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो है उसके अकॉर्डिंग ये संपूर्ण भारत पर भी लागू है। देखिए ना, बी ऑप्शन जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर, ये देखिए ठीक है, ऑप्शन रॉन्ग होना चाहिए फिर। चलो गजन जी आगे देखे, नेक्स्ट वो सही ऑप्शन है उसका। थ्री पर एक बार नजर डालिए, मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 लागू नहीं होता है कहाँ पर? ए भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों पर, बी भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों पर, सी भारत में रजिस्ट्रीकृत जहाजों वायुयानों के सभी व्यक्तियों पर चाहे वे जहां भी रहें, डी मतलब ए एवं बी दोनों। और कोई इसमें ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर पर एक बार नजर डालिए, निम्न में से कौन कोका विपाद के अंतर्गत है? नंबर ए कच्चा कोकीन, बी एग कोगिन और एग गोनिन के सभी व्युत्पाद, और दूसरा है कोकिन अर्थात एग गोनिन और उसके लवण का मिथाइल एस्टर, और डी सभी विनिर्मित या जिनमें 0.1% से अधिक कोकीन हो, ई उपर्युक्त सभी। ई बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव पर एक बार नजर डालिए, यहाँ कहा गया वाणिज्यिक मात्रा से वह मात्रा अभिप्रेत है जो नंबर ए केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित मात्रा से अधिक है, बी राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित मात्रा से अधिक है, सी ए और एवं बी दोनों, और डी में केवल बी। इसमें ए राइट आंसर है। केंद्रीय सरकार वाणिज्यिक मात्रा से वह मात्रा अभिप्रेत है जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित मात्रा से अधिक है। नेक्स्ट जरा नजर डालिए क्वेश्चन नंबर सिक्स पर, मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थों के प्रयोजनार्थ अवैध व्यापार से अभिप्रेत है, नंबर ए कोका पौधे की कृषि करना, बी कोका पौधे के अवयवों को संकलित करना, सी ओपियम पापी या कैनिबास पौधे की कृषि करना, या उपयुक्त सभी, डी में। डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेवन पर एक बार नजर डालिए, कैनाबिस में सम्मिलित नहीं है, नंबर ए चरस, बी गांजा, सी हसीस, डी कोका पत्ती।
सी सी इसमें डी कोका पत्ती कैनबिस में सम्मिलित नहीं है। डी पर एक बार क्वेश्चन नंबर 8 पर एक बार नजर डालिए। कैनबिस का अर्थ है ए हशीश का तेल, बी कैनबिस पौधे की पुष्पित भाग से, सी गांजा के निष्प्रभावी पदार्थ रहित मिश्रण से और डी उपरोक्त सभी। डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर एक बार नजर डालिए। कोका व्युत्पादन की कोका डेरिवेटिव से अर्थ है नंबर ए अपरिष्कृत कोकीन जो कोका पत्ती का सत्व है, बी कोकीन ब्रोंजल एग्रोनिन या मिथली एस्टर और उसका लवण, सी कोकीन के 0.1% से अधिक को समावेश करने वाला विनिर्माण या डी उपरोक्त सभी। डी इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पर एक बार नजर डालिए। कोका पत्ती यानी कोका लीफ में सम्मिलित नहीं है। नंबर ए कोका पौधों की ऐसी पत्ती जिसमें से सभी एग गोनिन कोकीन निकाल लिए गए हों, या फिर कोका पौधे की ऐसी पत्ती जिसमें कोकीन एल्कलाइड निकाल लिए हों, सी उपयुक्त दोनों और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पर एक बार नजर डालिए। कोका पौधे यानी कि कोका प्लांट से अर्थ है ए एरी प्रोसिलीन वंश की किसी प्रजाति का पौधा, बी कन्नाबिस वंश का कोई पौधा, सी पेपरबर्ड सामने फेरम एल प्रजाति का पौधा, डी इसमें हीरोइन सम्मिलित है। यहाँ पर ए राइट आंसर। सुनिए मुझे लग रहा है कि अभी हमारी इसमें रिवीजन नहीं हुआ, हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाई है, तो आप इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अभी मैं इसको यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि हमें उसको दोबारा से पढ़ने की भी जरूरत है। एक बार हम लोग पढ़ लें इसको और फिर आगे उसको रिवीजन करने के बाद फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।